नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त आज आप सभी के लिए एक चमत्कारी उपाय लेकर के आया हूँ, या यूं कहें चमत्कारी औषधि लेकर के आया हूँ, जिसके फ़ायदों के बारे में अगर आप जानेंगे तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। दोस्तों, खुबानी के चमत्कारी फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी इसी बारे में बात करेंगे। यह स्वाद में मीठा लगने वाला बीज युक्त फल है। खुबानी का रंग संतरी पीला होता है। खुबानी केवल ठंडे मौसम में ही उगती है, इसीलिए भारत में यह उत्तर के पहाड़ी इलाकों जैसे कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में पैदा होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा खुबानी तुर्की में उगाई जाती है। खुबानी को अन्य फलों की तरह केवल ताज़ा ही नहीं खाया जाता है, बल्कि इसे सुखाकर सूखे मेवे के तरह भी खा सकते हैं आप। सूखे मेवे की तरह खाई जाने वाली खुबानी को सूखी खुबानी के नाम से जाना जाता है। एप्रिकोट यानी कि खुबानी में अनेक प्रकार के फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जिसके कारण यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। खुबानी का फल ही नहीं, इसके बीज भी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाकर हमें अनेकों बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों, खुबानी खाने के फ़ायदों के बारे में अब हम सभी जानेंगे। दोस्तों, नंबर वन, आँखें जीवन का दर्पण हैं। आप सभी जानते हैं बिना आँखों के हम असहाय हैं, इसीलिए आँखों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे ज़रूरी होता है, जो खुबानी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खुबानी खाने से आँखें केवल स्वस्थ ही नहीं रहती हैं, बल्कि आँखों की छोटी मोटी बीमारियाँ जैसे आँखों में पानी आना या आँखें सूज जाना, ये सभी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए खुबानी खाएं और आँखों को स्वस्थ रखें। दोस्तों, नंबर टू, सूखी खुबानी में अनेक प्रकार के खनिज तत्व जैसे तांबा और लोहा पाए जाते हैं। ये खनिज तत्व हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाते हैं। इस प्रकार जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, उनके लिए यह फल बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, नंबर थर्ड, खुबानी का सेवन आपको कैंसर जैसे खतरनाक रोग से बचा सकता है। खुबानी खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। खुबानी को आप कच्चा खाने के साथ साथ इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। खुबानी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट डीएनए को डैमेज नहीं होने देता है। नंबर फोर, आप चाहे कितनी ही पौष्टिक चीज़ें खा लें, लेकिन अगर आपका लीवर ख़राब है तो कोई भी चीज़ आपके शरीर को नहीं लगेगी। लीवर ख़राब होने पर आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है और आप अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। खुबानी आपके लीवर की अंदर से सफाई करता है, जिससे आपका लीवर सही से काम करता है और आप अनेक रोगों से बच जाते हैं। नंबर फाइव, खुबानी के बीज में पाए जाने वाले तत्व कैंसर रोधी होते हैं। एप्रिकोट यानी कि खुबानी के बीजों में विटामिन B17 पाया जाता है। यह विटामिन कैंसर रोग से बचाव करता है। नंबर सिक्स, सूखी खुबानी का सेवन करने से अस्थमा रोग ठीक हो जाता है। नंबर सेवन, जो महिलाएं मां बनने वाली हैं या जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनके लिए खुबानी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। खुबानी खाने से ऐंठन और बांझपन जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, खुबानी से योनि संक्रमण का इलाज भी किया जाता है। नंबर एट, दिल की बीमारियों से बचने के लिए भी आप खुबानी का सेवन कर सकते हैं। खुबानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहने से आप दिल से जुड़े सभी रोगों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, नंबर नाइन, एप्रिकोट यानी कि खुबानी खाने से त्वचा संक्रमण, मुहासे और झाइयाँ दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि एप्रिकोट के इस्तेमाल से अनेक प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। नंबर टेन, एक खुबानी में 3% फाइबर होता है। खुबानी में मौजूद फाइबर घुलनशील होता है, जिससे खुबानी खाने से पाचन क्रिया सही रहती है, आपका पेट साफ रहता है और पेट से जुड़े रोगों जैसे कब्ज, गैस इत्यादि से आप बचे रह सकते हैं। नंबर 11, शहद या पानी के साथ
सूखी खुबानी खाने से बुखार कम हो जाता है। अगर आपको प्यास बहुत तेज लग रही है तब भी आप इसे खा सकते हैं, यह प्यास को बुझाता है दोस्तों। नंबर 12, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो खुबानी का सेवन करें। खुबानी में अनेक प्रकार के फ्लेवोनॉइड एक साथ पाए जाते हैं। ये फ्लेवोनॉइड शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। अनेक रिसर्च के अनुसार खुबानी में पाए जाने वाले कैटेचिन्स सभी प्रकार की सूजन को ठीक कर देते हैं। नंबर 13, खुबानी में भरपूर फाइबर होता है। पेट के लिए सूखी खुबानी खानी चाहिए। सूखी खुबानी खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। खुबानी बवासीर और पाचन संबंधी सभी रोगों को दूर करती है। नंबर 14, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के चलते हम अनेक बार अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हम एनीमिया रोग के शिकार हो जाते हैं। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और एनीमिया रोग से बचने के लिए खुबानी खाएं। खुबानी में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। नंबर 15, एप्रिकोट में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम एक प्रकार का खनिज लवण है जो हमारे शरीर में सभी चीज़ों के संतुलन को बनाए रखता है। पोटेशियम हमारी पाचन क्रिया को नियमित करके हमारे दिल की धड़कनों को रेगुलेट करता है। पोटेशियम हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। ब्लड प्रेशर की पूरी जानकारी आप सभी को हमने अपने और भी अन्य वीडियोज में बताया हुआ है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम सभी ने खुबानी के बारे में जाना, खुबानी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जाना आज हम सभी ने। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।